कैसे हो आप सब। तो अभी शाम के 6:30 बज चुके हैं और मेरा चाय नाश्ता सबको हो चुका है। मैंने कल से कोई वीडियो नहीं बनाया था क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी। इधर खुजली कर रही हूँ। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी और मेरे कमर में दर्द हो रहा था, तो अभी मैंने दवा वगैरह ली थी तो कुछ आराम मिल गया है। तो अब मैं जा रही हूँ, थोड़ा इन लोगों के लिए खाना बनाऊँगी क्योंकि अब काम तो करना ही पड़ेगा, खाना तो देना ही पड़ेगा सबको। और दवा खा ली हूँ। आज बनाऊंगी कच्चे आम की चटनी, जिसको हम लोग गलका भी बोलते हैं, और कद्दू की सब्जी बनाएंगे। बाकी कुछ ज़्यादा नहीं बनाना है क्योंकि दाल थोड़ी सी रखी हुई है दोपहर की, वो दे देंगे और रोटियां सेक देंगे। तो चलिए फिर आप लोग भी चलिए किचन में, देखते हैं आज मेरी गलका की रेसिपी। और आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। और तो फिर चलते हैं दोस्तों किचन में। यहाँ पे मैंने आम को देखिए छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया था, पहले से ही काट के रख लिया था जिससे कि। और इधर मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, कढ़ाई में डाल दिया है तेल। तेल में डाल देंगे थोड़ी सी हींग, और बहुत से लोग इसमें मेथी दाना भी डालते हैं, पर मुझे मेथी अच्छी नहीं लगती घर में किसी को, तो मैं मेथी नहीं डालूँगी। और हींग भुजने के बाद इसमें डाल दी है थोड़ी सी हल्दी, और उसमें फिर डाल देंगे ये कच्चे कटे हुए आम जो रखे हुए थे हमने, इनको अच्छे से मिक्स कर देंगे। और इसमें अभी हमें मसाले डालने हैं, थोड़ी सी पिसी हुई धनिया, हल्की सी मिर्च बिल्कुल, और थोड़ा सा नमक। और इधर इनको सबको आपस में मिक्स कर देंगे। और इधर मेरी मम्मी का फ़ोन आ गया था तो मैं उनसे बात करने में लगी हुई थी, फ़ोन भी करती जा रही थी और काम भी हो रहा था। और इधर ये देखिए, अब इसको हम ढक के पाँच बहुत जल्दी पक जाते हैं, इनको ज़्यादा देर नहीं गलने में लगता है आम को। तो ये देखिए मेरे आम गल चुके हैं बिल्कुल, 5 मिनट के अंदर ही गल जाते हैं पूरी अच्छी तरह से। और फिर इसमें हम ऐड करेंगे ये गुड़ डाल दिया है, इसको मैंने छोटा छोटा माइन टुकड़े कर लिए थे। और गुड़ डालने के बाद इसको 2 से 3 मिनट के लिए फिर पका लेंगे, जिससे हमारा गुड़ पूरा इसमें मिक्स हो जाए और सारा गुड़ घुल जाएगा पूरा। तो इसको ढक के हम 2 से 3 मिनट के लिए गुड़ को फिर पका लेंगे। और ये चटनी वाकई में बहुत टेस्टी लगती है, प्लीज़ आप लोग एक बार इसको बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसको आप नाश्ते में किसी भी चीज़ के साथ, या सब्जी नहीं है या पूड़ी पराठे के साथ, बहुत ही टेस्टी लगती है। उधर दूसरी गैस पर मैंने अपने कद्दू की सब्जी भी छौंक दी थी, तो वो भी मेरी बन के लगभग तैयार होने वाली है। ये देखिए इसको 2 से 3 मिनट के लिए हम और ढक के पका लेंगे गुड़ को, जिससे कि गुड़ हमारा पूरा घुल जाए आपस में। और इधर ये देखिए सब्जी मेरी कद्दू की भी तैयार हो गई, बस अब मुझे रोटियां और सेकनी है। और इसके बाद मुझे अभी अपने हाथों में मेहंदी भी लगवानी है, तो काम जल्दी फिनिश करने के बाद मैं एक हाथ में मेहंदी लगवा लूँगी, क्योंकि एक में आज लगाएंगे एक में कल लगवाएंगे मेहंदी। इसीलिए मेरा काम जल्दी हो रहा है थोड़ा सा, ये मेहंदी लगवा लेंगे। और ये देखिए मेरा गुड़ भी देखो पिघल चुका है बिल्कुल। अब इसमें हम ये डालेंगे सौंफ, जीरे, मेथी के दाने को, और कलौंजी को मैंने तवे पर भूंज के इसका मसाला बना लिया था पीस के, थोड़ा सा ये मसाला डाल देंगे इसमें। और इस चटनी को आप चाहे तो साल भर तक स्टोर कर सकते हैं, ये चटनी आपकी अगर अचार की तरह रखेंगे तो कभी ख़राब नहीं होगी। और आप चाहे तो इसको साल भर तक स्टोर कर सकते हैं, तो आपको प्लीज़ आप एक बार इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी चटनी लगती है। देखिए मेरी चटनी भी तैयार हो गई, और मैंने इसको इस टिफ़िन में भर के रख दिया था, मैंने तो थोड़ी बनाई थी। और अगर आप इसको स्टोर करना चाहते हैं तो आप इसको ज़्यादा मात्रा में बना के रख सकते हैं, बट इसमें पानी वगैरह हाथ है चम्मच है अवॉइड करनी पड़ती है। तो फिर चलिए दोस्तों, अगर आपको चटनी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरा वीडियो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और फिर चलते हैं, आपसे मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।